हेलो माय क्लब स्टूडियो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डॉट आर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेम ना हो, डॉट आर्ट के लिए स्टेंसिल ना हो, तो आप अपने नॉर्मल कंपास से भी, जैसे हम ग्रिड बनाते हैं मंडाला के लिए, वैसे ही आपको सबसे पहले ग्रिड बना लेना है और वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो नॉर्मल मंडाला के लिए हम ग्रिड बनाने के लिए करते हैं। तो ये देखिए, हमने ग्रिड बना लिया है, लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइंस का गैप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10, 20, 30। तो ये देखिए ग्रिड रेडी है, अब इसमें हम डॉट्स बनाएंगे। तो डॉट्स बनाने के लिए कलर की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कलर बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। येलो कलर काफ़ी मेरा थिक हो गया है, इसलिए मैंने उसे अभी रहने दिया है। अभी मैं दूसरा कलर उठा रही हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही है अभी के लिए। तो सबसे पहले मैंने सेंटर पे एक डॉट बनाया है और इसके अराउंड हम छोटे डॉट्स बनाएंगे। ये करने के लिए आपको सबसे पहले फॉलो करना है प्लस साइन। आप प्लस में पहले डॉट्स बना लीजिए और इस प्लस के गैप को पूरा करने के लिए आपको ध्यान देना है। बीच में गैप्स अगर टू डॉट्स के लिए हैं तो दो दो डॉट्स बनाएंगे, अगर एक डॉट के लिए बच रहा है गैप तो एक एक बीच में डॉट्स बनाएंगे और पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर वापस से प्लस बनाएंगे और फिर उनके बीच का गैप्स को कंप्लीट करेंगे दो डॉट या तीन डॉट के थ्रू। और अगर आप कंटिन्यू रेगुलर कंटिन्यूटी में बना सकते हैं तो आप कंटिन्यूटी में बना लीजिए डॉट्स, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के डॉट्स बना करके ही पूरा मंडाला कंप्लीट करिए। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डॉट्स को कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। अब कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं, अपने डॉट मंडाला को ब्यूटीफुल करना है, तो कुछ और भी हम उसमें पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं उसमें रनिंग डॉट्स ऐड कर रही हूँ। रनिंग डॉट्स ऐड करने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको जो आपने जो मेन डॉट बनाया है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको ऊपर उठ करके अपना बॉल, जो हमारे पास टूल है डॉट आर्ट के लिए, तो उसमें जो बॉल वाला टूल है उसे लेना है और उससे हमें एक डॉट बनाना है टॉप पे, और उसके साथ लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से रनिंग डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए रनिंग डॉट के थ्रू मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब इसी रनिंग डॉट को मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मैं एक डॉट को थोड़ा ऊपर डिस्टेंस पे लगा रही हूँ और फिर ये जो रनिंग डॉट्स हैं इसे हम साइड बाय साइड चलाएंगे। और रनिंग डॉट्स बनाने के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप कलर कितना उठाएंगे। तो जब आप बॉल में एक बार कलर लगाते हैं तो एक ही बार लगाने से आपको लेफ्ट का या राइट का जो भी आप रनिंग बना रहे हैं वो पूरा स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हर एक डॉट के लिए आपको बार बार कलर नहीं लेना है, अदरवाइज़ आपके डॉट का साइज़ सही नहीं होगा जैसा हमें चाहिए। रनिंग डॉट्स में क्या होता है, फर्स्ट डॉट बड़ा होना चाहिए और ऐसे ही धीरे 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 डॉट्स को छोटे होते जाना चाहिए। तो वो आपके बॉल में टूल में कलर जैसे जैसे कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली शेप वैसा ही होगा। और अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, हर एक स्टेप में कलर उठाएंगे, तो फिर सारे डॉट्स का साइज़ सेम हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब इसी तरह से हम आगे अपने कंटिन्यू करते हैं पैटर्न को। तो इस बार मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है बट उसे रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया। आप देख पा रहे हैं बीच में मैंने सेंटर में बड़ा डॉट लिया है और फिर रनिंग डॉट से उसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, इस बार मैंने रनिंग डॉट्स को उल्टे साइज से बनाया है। तो इसी तरह से इसे भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, मैं एक बार कलर में उठा रही हूँ तो लेफ़्ट का पूरा रनिंग डॉट कंप्लीट हो रहा है, फिर एक बार कलर उठाया तो राइट का पूरा रनिंग डॉट कंप्लीट किया। इस रनिंग डॉट में आपको बीच बीच में कलर नहीं लेना है, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो तभी आपका रनिंग डॉट जो है वो ब्यूटीफुल बनेगा, अदरवाइज सारे डॉट्स इक्वल साइज़ के हो जाएंगे, वो नहीं करना है आपको। रनिंग डॉट्स में डॉट्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब एक और मैं पैटर्न बना रही हूँ। इसके लिए क्या करना है हमें, हम छोटे छोटे अपने डॉट टूल लेंगे और डॉट टूल से हम छोटे छोटे डॉट्स बना लेंगे और फिर उसे हमें स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्ट्रेच करना है इस तरह के शेप में कि डॉट ऊपर जो है वो डॉट का शेप रहेगा और उस कलर को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। इसके लिए हम अपना बॉल वाला टूल लेंगे और उसमें भी दोनों साइड जो टिप होता है वो दो साइज़ के होते हैं, तो वो आप जिस आपका जो डॉट है वो जिस साइज़ का है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बॉल टूल यूज़ करेंगे।
अब उसके साइड्स में जो मैं स्ट्रेचिंग पैटर्न बना रही हूँ उसके लिए मैंने सिर्फ बॉल टूल का ही यूज़ किया है। उसमें मैं पहले डॉट नहीं बना रही हूँ, इसको डायरेक्ट हम कलर बॉल से ही लगा रहे हैं और स्ट्रेच कर दे रहे हैं नीचे। ये देखिए इस तरीके से धीरे 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 सारे एक एक पैटर्न्स को बहुत केयरफुली आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये बीच में गैप्स है उसे कंप्लीट करने के लिए फिर मैं येलो कलर से डॉट्स को कंप्लीट कर रही हूँ। ये येलो कलर वही है जो काफ़ी थिक हो गया था, इसको मैंने अभी इसकी कंसिस्टेंसी मैंने ठीक कर ली है। इसके अंदर थोड़ा सा मीडियम मिक्स करके कलर को, आप जब ड्राई होने लगते हैं तो थोड़ा सा मीडियम मिक्स कर देंगे तो कलर सही हो जाता है। अब इस तरीके से आपको पैटर्न्स, कोई सा भी पैटर्न चूज़ करना है वो आपकी चॉइस है, और इस तरह से आपको अपने डॉट मंडाला को कंप्लीट करना है। मैं लास्ट में सिंपल डॉट रखना चाहती हूँ, सिंपल डॉट रख के और बीच बीच में इसमें जो गैप है उसको मैं छोटे वाले डॉट से कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए आप वीडियो को रिवर्स कर करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो, तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप वीडियो को रिवर्स कर करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से डॉट को कंप्लीट किया है। ये देखिए।